नमस्कार साथियों, देखिए शब्द शुद्धि का ये हमारा दूसरा वीडियो है। मैंने चुन चुन करके क्वेश्चन को यहाँ पर रखा है, बहुत इम्पॉर्टेंट शब्दों को रखा है जो कि एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं उन्हीं को। और ये मत सोचिए कि ये शब्द अब नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में, ऐसा नहीं है। इन्हीं में से घुमा फिरा करके कहीं से दो एक उठा करके आपके एग्जाम में पूछता है। अगर आप तैयार किए हैं तो निश्चित रूप से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। मैं इन शब्दों का अर्थ भी बताऊँगा, है ना, और इसको शुद्ध लेखन में क्या बारीकी होती है उस चीज़ को भी बताऊंगा। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं, ये आपका जो छिद्रान्वेषी लिखा हुआ है ये अशुद्ध लिखा हुआ है। छिद्रान्वेषी, इसको हम पहले शुद्ध लिखें तो क्या लिखेंगे, जो यहाँ पर लास्ट में खष्टी सा दिख रहा है ना, यहाँ पर बड़ा सा होना चाहिए, ऐसे लिखा जाएगा छिद्रान्वेषी, है ना। और छिद्रान्वेषी किसे कहते हैं, इसका भाव भी इसका अर्थ भी जानना चाहिए कि छिद्रान्वेषी किसे कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के अंदर कमियां ढूंढता हो उसी को हम कहते हैं ये छिद्रान्वेषी है। यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने अंदर कमी ना ढूंढ करके किसके अंदर, दूसरे के अंदर कमी ढूंढता हो उसको कहते हैं छिद्रान्वेषी। सुसूरसा, है ना, जो यहाँ पर सुसूषा दिया गया है ये शुद्ध नहीं है, है ना, सुश्रूषा सही होता है। यहाँ पर ये जो लिखा गया है बड़ा सा पर बड़ा ऊ की मात्रा ये भी गलत है, और छोटा सा पर छोटा ऊ की मात्रा ये भी, है ना। इसको हम शुद्ध कैसे लिखेंगे, यहाँ पर जो आपका छोटा सा है ये बड़ा सा हो जाएगा और ये स्रा हो जाएगा, है ना, और बड़ा ऊ की मात्रा, और यहाँ पर खष्टी सा रहेगा, है ना। ये इसका शुद्ध रूप होता है सुश्रूषा। सुश्रूषा इसका मतलब होता है सुनने योग्य, है ना। सुश्रूषा मतलब क्या होता है, सुनने योग्य। ईर्ष्या, ईर्ष्या, ईर्ष्या जो ये लिखी हुई है ये गलत है, कैसे सही होगा इसका ध्यान देना। देखिए आप जब किसी शब्द को, है ना, पूरा ध्यान लगा करके घूर करके कम से कम उसका एक एक अक्षर कहाँ क्या है कहाँ क्या नहीं है, है ना, तर्क वितर्क करते हैं और टाइम बिताते हैं, मैक्सिमम आप 15, है ना, 15 सेकंड 20 सेकंड तक बिता लेते हैं तो वो आपका क्लियर हो जाएगा, वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। एक सेकंड दो सेकंड के लिए शब्द आपके सामने आएगा उसके बाद चला जाएगा तो वो उतने अच्छे से उसकी इमेज आपके दिमाग में नहीं बन पाती है। लेकिन जब इस शब्द में इसकी बारीकी, जैसे इसको देख लेते हैं, गरिष्ठ ये सही नहीं है, यहाँ पर छोटी की मात्रा होनी चाहिए, आधा खष्टी सा ये ठीक है, और यहाँ पर जो ठा है ये भी गलत है, टा होना चाहिए। ये हमने थोड़ा सा बारीकी को ध्यान में रखा, इतना करने में आपका 15-20 सेकंड लग गया। अब ये इमेज आपके दिमाग में बैठ जाएगी क्योंकि आपने सोच करके ये सब किया, मेहनत करके आपने कुछ सुधारने का प्रयास किया है, तो ऐसे ही आप कर पाओगे। बस आप 2-30 सेकंड के लिए आकर के इसको पढ़ करके चले जाते हो तो ऐसे पढ़ने से अच्छा है कि आप पढ़ो ही ना, है ना। तो यहाँ पर शुश्रूषा ये शुद्ध होता है, है ना, और यहाँ ईर्ष्या, ईर्ष्या ये आपका गलत है, ईर्ष्या ऐसे होता है, ईर्ष्या इस तरह से होता है, है ना। ईर्ष्या माने आप जानते हैं क्रोध होता है, गुस्सा होता है। दुर्व्यवहार दिया है, दुर्व्यवहार नहीं होता है, दुर्निवार होता है, दुर्निवार, है ना, दुर्निवार ये शुद्ध होता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये यहाँ रा नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा, तो भाई ये नहीं सही है ना, ये जो मैं लिखा हूँ ये ठीक है। ये द्वारिका, द्वारिका नहीं होता है, द्वारका होता है, द्वारका ऐसे आप जानते हैं ना, श्री कृष्ण भगवान द्वारिका में रहते थे, उसको हम आप बोल चाल में द्वारिका उच्चारण कर करके उसी को सही बना दिए हैं, लेकिन वो वास्तव में सही नहीं है, है ना। इसीलिए तो शुद्धि अशुद्धि का एक टॉपिक बन गया, अगर हम शुद्ध उच्चारण करते तो शुद्धि अशुद्धि का टॉपिक बनता ही नहीं। लेकिन हमने क्या है कि अपने हिंदी में बहुत से शब्दों को अशुद्ध उच्चारण करके बिगाड़ दिया है, इसी वजह से एक टॉपिक के रूप में ये हमारे सब्जेक्ट में सम्मिलित हुआ है। तो द्वारिका नहीं होता है, द्वारका होता है ना। अब ये अधीन, अधीन नहीं होता है, अधीन होता है, है ना, अधीन छोटा आ रहता है, यहाँ पर बड़ा आ ये नहीं रहता है ना। और इसको ऐसे ही थोड़ा थोड़ा एनालिसिस करोगे तभी आपके जहन में आपके दिमाग में बैठेगा, और दोबारा जब आप थोड़ा सा इसको देखोगे ना तब आपका दिमाग काम करेगा कि ये यहाँ नहीं होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, है ना। अब देखिए पूजनीय, पूजनीय ये आपका गलत होता है, पूजनीय, पूजनीय, है ना। पूजनीय किसे कहते हैं,
आप जानते हो जो श्रद्धा के योग्य हो, है ना, जो श्रद्धा के योग्य हो, जिसका हम बहुत सम्मान करते हो, पूजनीय उसको कहते हैं, है ना। और अधीन, अधीन आप जानते हो गुलामी को कहते हैं, गुलाम, गुलाम को कहते हैं ना, जो बंधन में रहता हो। अंतर ध्यान, अंतर ध्यान, कुछ लोग देखो इसको अंतर ध्यान जो यहाँ पर लिखा गया है अंतर ध्यान, ये गलत है। अंतर ध्यान ऐसे लिखा जाता है, अंतर ध्यान, अंतर ध्यान, अंतर ध्यान, ये इस तरह से धा के ऊपर रेफरा रहता है और या जो लिखा है ये या रहता ही नहीं है। यही सब तो आपको ध्यान में रखना है। अंतर ध्यान में भले ही या का उच्चारण हम करते हैं, ये गलत है, या होता ही नहीं है। अंतर्धान ये सही होता है। अंतर्धान मतलब, अंतर्ध्यान मतलब अचानक से छिप जाना, अचानक से गायब हो जाना। जैसे नारद जी नहीं हुआ करते थे, अचानक से गायब हो जाते थे, तो वो अंतर्ध्यान होते थे, तो अंतर्धान उसी को कहा जाता है। अहिल्या, रामायण में अहिल्या है ना, अहिल्या का उल्लेख हुआ है, उसको आप शुद्ध रूप में क्या कहते हो, है ना, तो वो शुद्ध रूप में होता है अहल्या, अहल्या, ये इसका क्या होता है, शुद्ध रूप होता है। ये वांग्मय है ना, वांग्मय, वांग्मय ये आपका सही नहीं लिखा हुआ है ना, यहाँ पर गा लिखा है, ये गलत है। वांग्मय इस तरह से रहेगा, इस तरह से रहेगा, है ना। और वांग्मय मीन्स होता क्या है, पठन पाठन विषय वस्तु, है ना, पठन पाठन सामग्री कह सकते हो, या फिर आप कुल मिला जुला करके साहित्य कह सकते हो, है ना। वांग्मय पठन पठन, पठन पाठन सामग्री या साहित्य कहते हैं। ये सांस्कृत्यायन, सांस्कृत्यायन, हम सब लोग क्या है उच्चारण करते हैं ना, राहुल सांस्कृत्यायन, सांस्कृत्या नहीं, सांकृत्यायन होता है, क्या है, सांकृत्यायन। ये जो आधा सा यहाँ पर दिख रहा है ना, ये नहीं है, है ना, बाकी सब है सांकृत्यायन, सांकृत्यायन, है ना, ये शुद्ध होता है। जागृत, जागृत नहीं होता है, जागृत होता है ना, जागृत, सॉरी, जागृत, जागृत, ज्वालामुखियों, ज्वालामुखी चैप्टर में आप लोगों ने जागृत ज्वालामुखी देखा होगा ना, जागृत ज्वालामुखी नहीं होता, जागृत, जागृत शुद्ध है। जागृत मतलब क्या, सतर्क, है ना, सचेत, सक्रिय, है ना, तैनात, ये जागृत कहलाता है। कालिदास, कालिदास आप जानते हैं कि ये एक बहुत ही उच्च कोटि के संस्कृत के कवि थे, है ना। कालिदास हम उच्चारण कर करके इसको कालिदास बना दिए हैं, लेकिन ये कालिदास नहीं होता है, कालिदास होता है, क्या होता है, कालिदास होता है, कालिदास होता है, है ना। ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना आप देख रहे हो यहाँ पर जो सा दिख रहा है वो पूरा है, ये पूरा सा नहीं होना चाहिए, आधा सा होना चाहिए, आधा ता के बाद आधा सा, है ना, बाकी सब ठीक है, वैसे का वैसे लिखो ज्योत्सना, है ना, बस आधा सा, ये जो सा था उसको आधा सा बना दो, ज्योत्सना, है ना। ज्योत्सना मीन्स आप जानते हो जो चंद्रमा जी का प्रकाश आता है उसी को कहा जाता है ये ज्योत्सना, यानी चंद्रमा का प्रकाश ज्योत्सना, यानी हम कुल मिलाकर कह सकते हैं चांदनी, है ना, चांदनी कह सकते हैं। ये गरिष्ठ, गरिष्ठ ये गलत है, गरिष्ठ नहीं होता है, गरिष्ठ होता है, एक तो छोटी की मात्रा होती है, यहाँ पर टा होता है, गरिष्ठ क्या होता है, गरिष्ठ, है ना, गरिष्ठ, गरिष्ठ मतलब है क्या होगा कि भारी, भारी मतलब जो जैसे भोजन को लेकर के देखें, भारी, भारी भोजन, भारी भोजन का मतलब जो पचने में कठिनाई, जिसको पचने में कठिनाई हो, है ना, तो उसी को कहते हैं गरिष्ठ, गरिष्ठ, गरिष्ठ क्या होता है, जो पचने में कठिन हो उसको कहते हैं गरिष्ठ, इसी से एक शब्द मिलता है गरिष्ठ भोजन, ऐसा भोजन जो पचने में कठिन हो उसको गरिष्ठ भोजन कहते हैं, तो गरिष्ठ होता है, याद रखना, गरिष्ठ नहीं होता है, गरिष्ठ ये रापर छोटी की मात्रा और टा होता है। अंजलि, अंजलि, अंजलि आप जानते हैं कि अंजलि क्या होता है, पहली बात तो ये शुद्ध क्या होगा, अंजलि यहाँ पर लिखा है ये गलत है, अंजलि होता है, अंजलि ऐसे, अंजलि होता है ना, छोटी की मात्रा होती है अंजलि। और ये अंजलि, अंजलि किसे कहते हैं, जैसे ये हमारा दोनों हाथ है, है ना, ये हमने बांध लिया तो ये इसी को कहते हैं अंजलि, है ना, तो ये अंजलि ये शुद्ध इसका है। मैथिली शरण, मैथिली शरण नहीं होता है, मैथिली शरण होता है, आप रचनाकार का नाम है ये, है ना, मैथिली, 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 था पर छोटी की मात्रा रहेगी,
मैथिली सरण है ना। तो मैथिली सरण भले ही हम कहते हैं लेकिन वो मैथिली सरण नहीं होता है, वो वास्तव में शुद्ध क्या है, मैथिली सरण है। मैथिली सरण ये अनधिकृत, अनधिकृत गलत है ना, पर छोटी की मात्रा नहीं रहेगी, अनधिकृत होता है, अनधिकृत होता है ना, अनधिकृत ये होता है, ये शुद्ध है। अनधिकृत यानी जिस पर अधिकार ना किया गया हो। अछूड़ 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 यहाँ पर या लिखा है ना, ये या नहीं होना चाहिए, यहाँ पर भी अड़ा होना चाहिए है ना। तो ये इसका शुद्ध रूप ऐसे होगा अछूड़ अछूड़ है ना, अछूड़ ये शुद्ध होता है। इसके मीन्स क्या होता है, अछूड़ मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है अखंडित, जिसको खंडित ना किया जा सके उसको हम कहते हैं अछूड़ अछूड़, यानी जिसको तोड़ा ना जा सके है ना, डिवाइड ना किया जा सके। ये पौरुष, पौरुष नहीं होता है, पौरुष होता है, पा पर औ की मात्रा, रा पर छोटा उ की मात्रा है ना, और ये सब पौरुष होता है। और ये चर्मोत्कर्ष है ना, यहाँ पर जो माँ पर आप रेफरा देख रहे हो, जिसको आप चुरकी हवा कहते हो, माँ पर रेफरा जो है ये यहाँ पर नहीं होता है, बल्कि यहाँ से हट करके यहाँ पर पूरा होता है, चा के बाद रा होता है पूरा है ना, चा रा पूरा रहेगा। अब माँ पर ओ की मात्रा और तकर्ष है ना, चर्मोत्कर्ष, ये आपका क्या होता है, शुद्ध होता है। तो आप लोग थोड़ा सा अपने साइड से इसको घूर घूर कर देखना, शब्द को घूर घूर कर देखना, और केवल घूर कर देखना नहीं है, उसमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना कि हाँ कालिदास में, कालिदास में ला पर छोटी की मात्रा होती है ना, और ये रहता है, लेकिन हम लोग कालिदास कहते हैं, बड़ी की मात्रा समझते हैं। तो ये सब आप थोड़ा सा मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, निश्चित रूप से सुधार होगा। ये वीडियो हमारा कैसा रहा, हमारा प्रयास कैसा रहा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगले दिन आप लोगों से एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।